तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। दुनिया में कोरोना की मौतें का तादाद 25 लाख तक पहुंचने में करीब एक साल का वक्त लगा था, लेकिन दोगुना होने में 9 माह के करीब ही समय लगा है। 5 मिलियन कोरोना डेथ्स, दुनिया में कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा 50 लाख पार कर गया है। राइटर्स की खबर के मुताबिक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खतरनाक रूप लेने के बीच मौतों का यह आंकड़ा बड़ा है। वही अमेरिका में कोरोना से मौतें 7 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि ब्राजील में यह 6 लाख तक पहुंच गई है। कोरोना से मौतों ने 50 लाख का आंकड़ा ऐसे वक्त छुआ है जब दुनिया की आधी आबादी को भी अभी तक कोरोना की एक भी वैक्सीन की डोज नहीं मिली है। ओवरवर्ल्ड इन डेटा ने कहा कि 50% के करीब वैश्विक आबादी अभी भी कोरोना महामारी के सुरक्षा कवच से वंचित है। दुनिया में कोरोना की मौतें की तादाद 25 लाख तक पहुंचने में करीब एक साल का वक्त लगा था, लेकिन दोगुना होने में 6 माह के करीब ही समय लगा है। यह दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट के भयानक असर का परिणाम माना जा रहा है। वही राइटर्स के विश्लेषण के अनुसार कोरोना की मौतों की तादाद 25 लाख तक पहुंचने में करीब एक साल लगा था, जबकि 25 से 50 लाख होने में महज 236 दिन लगे। दुनिया में मौजूदा समय कोरोना से जितनी मौतें हो रही है उसमें अमेरिका, रूस, ब्राजील, मैक्सिको और भारत सबसे आगे है। विश्व में अभी भी औसतन रोजाना 8000 मौतें कोरोना से ही हो रही है, यानी हर 5 मिनट में एक शख्स कोरोना से अपनी जान गंवा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक वक्त रोजाना के केस 4 लाख के भी पार चले गए थे, जो अब घटकर 20 से 25 हजार प्रतिदिन पर रह गए हैं। भारत में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 90 करोड़ के करीब पहुंच गया है। भारत में केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ज्यादातर कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जबकि यूपी, दिल्ली जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में कोरोना के केस काफी घट गए हैं।